हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा रिलीज किया गया सास बहू और फ्लेमिंगो सीरीज की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस सीरीज में आप नैना और बिजली के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। यह सीरीज 2023 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 7.8 रेटिंग्स भी मिले हैं। कहानी की शुरुआत होती है चाचा और भांजे से, जो एक जगह पे चोरी कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ माकड़िए आके चाचा को काट डालते हैं, जो देखकर भांजा शॉक्ड हो जाता है। और फिर दिखाते हैं 10 दिन पहले की स्टोरी। मुंबई के एक क्लब में बिजली नैना को एक महंगा घड़ी गिफ्ट करती है और दोनों को इंटीमेट होते हुए देखकर हमको पता चलता है बिजली की गर्लफ्रेंड थी नैना, जो पेशे से एक डीजे थी और दोनों का सपना था बर्लिन में साथ रहने का। तो आगे बिजली जब उस क्लब से चली जाती है, तब क्लब में नैना गाना प्ले कर रही थी, लेकिन वहां पे एक लड़के की ड्रग्स लेने के वजह से मुंह से ब्लड निकलता है और वो सीधा पहुंच जाता है ICU में। अब क्योंकि वो लड़का CM का बेटा था, तो पुलिस को कार्यवाही करने के लिए बोला जाता है। और इधर बिजली मुंबई से कोसों दूर रान प्रदेश की एक हवेली में पहुंचती है, जहां बिजली अपनी देवरानी काजल को कहती है कि उनका सबसे बड़ा क्लाइंट कार्लोस को डिलीवरी एक हफ्ते पहले चाहिए, जिसके लिए सबको दिन में 18 घंटा काम करना पड़ेगा। जो सुन के सारे वर्कर्स पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन डबल बोनस और इसके बाद जन्माष्टमी तक छुट्टी और ब्लूटूथ ईयरफोन के बदले सब राजी हो जाते हैं। वैसे मैं बता दूं, ये सब रानी कॉर्पोरेटिव के लिए काम करते थे, जिनका दो बिजनेस था। एक बिजनेस था हैंडीक्राफ्ट और जड़ी बूटी का, और दूसरा इलीगल बिजनेस था यानी ड्रग्स का, और उस ड्रग का एक नाम भी था फ्लेमिंगो। और इसी बिजनेस का सबसे बड़ा क्लाइंट था कार्लोस, और ये फ्लेमिंगो वही ड्रग है जिसके वजह से CM का बेटा ICU में पहुंच गया था। कहानी में आगे हम देखते हैं रानी बा को, जो रानी कॉर्पोरेटिव के मालकिन होने के साथ साथ बिजली और काजल की सास भी थी, और ये था जीमा, जिस पर रानी बा आंख बंद करके विश्वास करती थी। फिलहाल रानी बा काजल और बिजली को बताते हैं हरीश और कपिल आ रहे हैं, तो उनको संभाल के रहना पड़ेगा। जो सुन के काजल कहती है कि वो दोनों 10 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, तो हरीश और कपिल को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये थी रानी बा की बेटी शांता, जो योगी के साथ फिजिकल हो रही थी और घर की सबसे जूनियर लड़की थी। और दूसरी तरफ मुंबई में पुलिस इन्वेस्टिगेट करके पता लगाते हैं फ्लेमिंगो रन प्रदेश से आ रहा है। अब क्योंकि प्रसून से अच्छा इस केस को कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता था, इसलिए DCP इस केस को प्रसून को इन्वेस्टिगेट करने बोलता है। लेकिन प्रसून यह केस लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि हर बार जब भी वो गुनहगार को पकड़ लेता था, तभी ऊपर से कॉल आने के वजह से वो छूट जाता था। लेकिन इस बार DCP जब समझाता है कि ऊपर से कोई कॉल नहीं आएगा क्योंकि ये CM की बेटे की केस है, तब प्रसून राजी हो जाता है। और इधर जीमा जब रानीबा को समझाता है हरीश और कपिल को सच बता देने के लिए, ताकि वो भी इस बिजनेस का हिस्सा बन सके, क्योंकि आखिर में प्रॉपर्टी तो उनकी ही होने वाली थी, तब रानीबा मना कर देती है, क्योंकि उनके लिए ये सब सहन करना मुश्किल था। रानीबा का एक और बेटा भी था जिसका नाम था धीमन, लेकिन वो रानीबा की खुद की औलाद नहीं था, लेकिन रानीबा उसे अपना बेटा मानती थी। और रानीबा जीमा को एक बात अच्छे से समझाती है कि प्रॉपर्टी का हकदार कोई भी बन सकता है, सिर्फ हरीश और कपिल को मिलेगा, ये सोचना गलत है। अब मुंबई से आने के बाद बिजली थोड़ा सैड लग रही थी, लेकिन काजल के पूछने पर भी वो उसे कुछ भी नहीं बताती है। और एक बात दोनों बहू में सेम था, दोनों ही शांता से जेलस थे, क्योंकि शांता एक आजाद पंछी की तरह थी, जिसका जो मन हो जहाँ भी जाना हो वहाँ जा सकती थी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे फ्लेमिंगो बनाना आता था और वो फ्रांस से पढ़ के भी आई थी। फिलहाल बिजली काजल को समझाती है कि जब ये बिजनेस उनका होगा, तब वो दोनों भी आजाद हो जाएंगे, उनका जो मन होगा वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब रानीबा की पूरे रन प्रदेश में बहुत इज्जत थी, और उन्होंने एक स्कूल भी बनाया था जहां पर बच्चों को नए टेक्नोलॉजीज के साथ पढ़ाया जाता था, और वो बेसहारा लोगों की हेल्प भी करती थी। ये है कपिल, काजल का पति, जो US में IT में जॉब करता था, हाइजीन मेंटेन करने वाला और वेगन वेगन चिल्लाने वाला आदमी। और ये है हरीश, बिजली का पति, जो एक नंबर का नशेरी, अकल से पैदल और लौंडियाबाजी करने में माहिर था। अब क्योंकि दोनों बेटों को फ्लेमिंगो के बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए सबको छुट्टी देकर घर को अच्छे से सजाया जाता है, जितने भी हथियार थे सबको छुपाया जाता है, और हरीश और कपिल को रिसीव करने के लिए भी एक खटारा गाड़ी भेजा जाता है, ताकि उन दोनों को कोई शक ना हो। और फिर हम देखते हैं जिन मागड़ियों ने एक आदमी को काट डाला था, वही मागड़िए रानीबा की हवेली में हमला करते हैं रानीबा को मारने के लिए, और कुछ औरतों को मार भी देते हैं। लेकिन हवेली में सब उन मागड़ियों को ऐसे मारते हैं जैसे मानो उन सबको ऐसे हालात के लिए तैयार किया गया था। तो एक तरफ हवेली में जब सब मागड़ियों को मार रहे थे, तब कपिल ये सोचकर परेशान था कि घर में कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा। और यह है मॉन्क, सिल्वर रिंग का मालिक, जो कोकेन का बिजनेस करता था, जिसका धंधा रानीबा के वजह से खत्म होने को आया था, क्योंकि मार्केट में सबको फ्लेमिंगो चाहिए था। लेकिन रानीबा को कुछ न करके मॉन्क अपने सबसे बड़े सप्लायर को ही मार देता है, और तभी कोई उसे कटा हुआ जीप भेजता है,
फिलहाल पास्ट में हम देखते हैं बिजली हरीश और कपिल को घर के अंदर ले जाती है, लेकिन अंधेरे में, ताकि उन दोनों को कुछ दिखाई ना दे क्योंकि चारों तरफ लाशें थी। फिलहाल घर में जब सब साथ में मिलकर डिनर कर रहे थे, तब धीमान 20 मागड़ियों के लाशों को ठिकाने लगा रहा था। फिलहाल रानीबा जब हरीश और कपिल को पूछते हैं कि उनका काम यूएस में कैसा चल रहा है, तब हरीश सोचता है कि वो तो बस नशा करता है और लौंडियाबाजी करता है, और कपिल सोचता है कि उसको तो जॉब से निकाल दिया गया है उसकी टीम के द्वारा। लेकिन फिर भी दोनों अपने माँ को झूठ बोलते हैं, और दोनों बेटे जब वापस जाने की बात कर रहे थे, तब रानीबा उन दोनों को जन्माष्टमी तक रुकने के लिए बोलती है। लेकिन धीमन जब डिनर करने आता है, तब हरीश और कपिल गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों धीमन को अपना भाई नहीं मानते थे, और शांता भी अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। कहानी में आगे एक तरफ कपिल और काजल जब रोमांस कर रहे थे, तब दूसरी तरफ हरीश को छोड़ के बिजली नैना के साथ रोमांस करती है, वो भी वीडियो कॉल पे, और शांता धीमन को ऐसे देखती है जैसे मानो वो उससे प्यार करती हो। और उन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके वजह से शांता डिनर टेबल पर अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। और इधर रानीबा को जब पता चलता है कि उन मांगड़ियों को मोंग ने भेजा था, तब वो उस आदमी का जीभ काटकर मोंग को भेजती है। और प्रसून भी अपने वाइफ के साथ रान डिस्ट्रिक्ट आ चुका था फ्लेमिंगो की सप्लाई कहां से हो रही है और कौन बेच रहा है ये जानने के लिए। कहानी में आगे हमको पता चलता है धीमन और शांता एक दूसरे से प्यार करते थे, और आज भी शांता धीमन से ही प्यार करती है, लेकिन धीमन जानबूझकर शांता से दूर चला गया था रानीबा के डर से और लोग क्या बोलेंगे ये सोचकर। लेकिन शांता क्लियर थी कि वो दोनों कभी भी भाई बहन नहीं बन सकते हैं। फिलहाल प्रसून जब सारे इंस्पेक्टर्स को समझाता है कि ड्रग्स इसी डिस्ट्रिक्ट से हर जगह इंपोर्ट होता है, तब कोई भी ऑफिसर ये मानना नहीं चाहता था। जबकि ये मीटिंग खत्म होने के बाद उन्हीं में से एक ऑफिसर जिमा को ये इन्फॉर्मेशन देकर पैसा लेता है, और जो 20 मागरियों की मौत हुआ था उसके लिए भी अपना मुंह बंद रखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कपिल और हरीश जब कबूतर मारने गए थे, वहाँ पर कबूतर मारना तो दूर, लड़कियों का पीछा करके एक सीक्रेट जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ एक सीक्रेट दरवाजा भी था, और उस दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है इस बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं था। और वो दोनों जब दरवाजा ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, तभी दरवाजा अचानक से खुल जाती है, और वो दोनों अपने सामने देखते हैं रानीबा को, जो हरीश और कपिल को समझाती है कि उनका मेन बिजनेस यही है, ड्रग्स का बिजनेस, जो हजम करना कपिल और हरीश के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जड़ी बूटी और हैंडीक्राफ्ट से सीधा कोकेन का बिजनेस कौन करता है, और ये सब हुआ कब, उन दोनों को तो कोई भी आइडिया नहीं था। जो सुनकर रानीबा बताती है वो एक बंजारन थी, उनके पिता भोला और रानीबा की एक ही सपना था गाँव में घर बसाने का, जिसके लिए उनको पैसा चाहिए था, और वो गलत तरीके से पैसा कमा के अपना घर बसाने वाले थे। और तब रानीबा प्रेग्नेंट भी थी, और अब भोला को एक बेटी चाहिए था, बिल्कुल रानीबा की तरह सातिर दिमाग वाली, क्योंकि उसे भी पता था उनके बेटों के अंदर बुद्धि नहीं है। अगले दिन दोनों पति पत्नी अपने बेटों को तुलसी के पास छोड़कर गोबर भैया के साथ एक सफर पर निकलते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन वहाँ पैसा कमाना तो दूर, भोला को मारकर सारे आदमी एक एक करके रानीबा के साथ फिजिकल होते हैं, उसे प्रेग्नेंट होते हुए देखकर भी, और गोबर भैया ये सब चुपचाप देख रहे थे। और इतना टॉर्चर होने के बावजूद भी रानीबा जब जिंदा थी, तब गोबर भैया भी मौके का फायदा उठाकर उसके साथ फिजिकल होता है, और होश में आते ही रानीबा गोबर भैया को मार देती है, और बहुत बुरी हालत में वो अपने बेटों के पास वापस आती है। अब क्योंकि उनके पास पैसा कमा के खाना खाने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए रानीबा हरीश और कपिल को मारने वाली थी। लेकिन तभी धीमन आके रानीबा को अपने माँ के पास यानी तुलसी के पास ले जाता है, जहाँ तुलसी की हालत भी बहुत खराब थी, और ये सब देखकर रानीबा अफीम बेचने लगी, और उसी पैसों से वो धीमन और तुलसी को खाना खिलाती थी। और ऐसे ही बेसहारा लोग उनके साथ धीरे धीरे जुड़ते गए, और उनका बिजनेस बड़ा होता गया। और जैसे ही ये बात बाहर पहुंची, तब उनके घरों को जला दिया गया, तो मजबूरन रानीबा को हाथ मिलाना पड़ा एक आदमी से, जिसने रानीबा को रानी कॉर्पोरेटिव का लाइसेंस बना के दिया, और उसी हैंडीक्राफ्ट और जड़ी बूटियों के आड़ में वो लोग ड्रग्स बेचते थे। और फिर एक दिन रानीबा जब एक पौधा लेके उस आदमी के पास जाती है, तब वो आदमी बताता है ये कोकेन का पौधा है, जिससे ड्रग्स बनाने के लिए रानीबा को एक साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। और लकीली तब वहाँ की जेल में एक साइंटिस्ट था जो ड्रग्स बनाने के लिए पकड़ा गया था, तो वह आदमी साइंटिस्ट को रिहा करके रानीबा को एक हवेली देता है, ताकि इस कोकेन के बिजनेस के बारे में किसी को पता ना चले। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये आदमी रानीबा की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, ऑफ कोर्स उसे पैसा मिलता होगा तभी ना। फिलहाल कहानी में आगे रानीबा और वो साइंटिस्ट जिसका नाम था डॉन जे, हवेली में जब कोका के पौधे उगाने की कोशिश कर रहे थे, तब उनसे वो काम नहीं हो रहा था क्योंकि साउथ अमेरिका के बाहर कोका के पौधे उगाना नामुमकिन था। तो डॉन जे जब गुस्सा कर रहा था, तभी उसे एक टनल मिलता है, और जो कोका के पौधे साउथ अमेरिका के बाहर उगाना नामुमकिन था, वो डॉन जे ने पॉसिबल करके दिखाया था।
फिलहाल प्रेजेंट में रानी बाप अपने बेटे को कहती है जब तक वो जिंदा है तब तक हर मुसाफिर के पास सब कुछ रहेगा, और वो इस बिजनेस में कभी अकेली थी ही नहीं, उनके साथ सब थे। तो कपिल जब अपने माँ से पूछता है कि अगर उनको ये बात आज पता नहीं चलता तो क्या उनकी माँ ये बात उनको नहीं बताती, तब रानीबा समझाती है रेगिस्तान में कबूतर कहाँ मिलता है। यानी रानीबा ने हरीश और कपिल को वहाँ पर जानबूझकर भेजा था ताकि उनको सच पता चले। फिलहाल बिजली हरीश को बताती है कि वो एक अकाउंटेंट है और उनका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ का है। और इधर काजल से कपिल को पता चलता है पूरे देश में कोका के पौधे सिर्फ वही उगाते हैं और सांता उस पाउडर में केमिकल मिला के उसे 10 गुना स्ट्रांग बना देती है मार्केट में, जिसका नाम है फ्लेमिंगो। और वो लोग ये माल इंडिया में ट्रक्स के जरिए ट्रांसपोर्ट करके पूरे शहर में फैला देते हैं और यूरोप में भी ये माल भेजा जाता है। और इस बिजनेस से जो ब्लैक मनी मिलता है उसको व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। और इधर मोंक अपना ठिकाना छोड़ के सैमसन से मिलता है और एक बच्चे को बड़े ध्यान से देखता है, ऐसे मानो जैसे उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ हो। फिलहाल मोंक रानीवा की बर्बादी चाहता था और इसलिए सैमसन को उसके साथ हाथ मिलाने के लिए बोलता है, क्योंकि समुद्र पर सैमसन का राज था। और इधर धीमन जब ट्रक्स पर माल लोड कर रहा था तब सांता आके बताती है कि फ्लेमिंगो में किसी ने कुछ मिला दिया था जिसके वजह से सीएम का बेटा आईसीयू में है। और सांता धीमन को ये भी समझाती है कि वो उसे भाई नहीं मानती, वो उससे प्यार करती थी, प्यार करती है और प्यार करती रहेगी। अब डिसाइड धीमन को करना पड़ेगा कि उसे क्या चाहिए। तो दोनों जब क्लोज हो रहे थे तभी रानीबा के आने से धीमन डर जाता है और सांता अपने माँ को बताती है कि उनके फ्लेमिंगो में कुछ मिलाया जा रहा है, जो सुनकर रानीबा उन दोनों को बोलती है सबको बताने के लिए कि रात को एक मीटिंग है और सबका वहाँ पे होना जरूरी भी है। तो रात को सब जब इकट्ठा होते हैं तब रानीबा सबको बताती है वो अब रानी कॉर्पोरेटिव का वारिस चुनेगी 2 हफ्ते बाद जन्माष्टमी के दिन, और वारिस इनमें से कोई एक बनेगा। और इतने दिनों तक उन लोगों ने जो भी कुछ किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले 2 हफ्तों में वो सब जो भी करेंगे उसी से डिसाइड होगा कि वारिस कौन बनेगा। विल तो बन चुकी है लेकिन रानीबा वो विल अपने मर्जी से चेंज भी कर सकती है। तो इस मीटिंग के बाद धीमन और सांता जब बात कर रहे थे तब धीमन को देखकर रानीबा को याद आती है उन्होंने तुलसी को प्रॉमिस किया था कि वो धीमन को कभी भी उसके पापा के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, और धीमन का पापा और कोई नहीं गोबर था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योगी और धीमन मुंबई जाकर उस डीलर को मार देते हैं जो फ्लेमिंगो में मिलावट करके बेच रहा था, लेकिन असली कल्प्रिट कोई और था। मोंक ने ये सब करवाया था ताकि मार्केट में फ्लेमिंगो की नाम बदनाम हो जाए। और इधर काजल एक बेसहारा औरत और उसकी बच्ची को रानीबा से मिलवाती है और रानीबा उसको अपने पास रख लेती है। और उस बच्ची को देखकर काजल को याद आती है जब वो 16 साल की थी तब उसके पापा ने उसको बेच दिया था, और जीमा जब उसे रन प्रदेश में लेके आया था तब वो प्रेग्नेंट भी थी और तब रानीबा ने ही उसे सहारा दिया था। लेकिन बच्चों की तस्करी करने के लिए सैमसन जब गिरफ्तार हुआ था तब रानीबा बहुत खुश थी, और काजल को एक बेटा भी हुआ था जिसे वो देख भी नहीं पाई क्योंकि रानीबा ने उसे बताया था कि उसका बेटा मरा हुआ पैदा हुआ था। जो सुनने के बाद भी काजल अपने बेटे को देखना चाहती थी लेकिन रानीबा ने उसे देखने का मौका तक नहीं दिया। फिलहाल प्रेजेंट में काजल यही सब सोचकर रोती रहती है। अगले दिन हरीश और कपिल जब उनके घर में महंगी महंगी गाड़ियां देखते हैं तब वो शॉक्ड हो जाते हैं ये सोचकर कि इतने गाड़ियां होने के बावजूद भी उनको रिसीव करने के लिए खटारा गाड़ी भेजा जाता था। और जीमा जब उन दोनों को स्कूल ले जाते हैं तब वो दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि उनकी माँ इन बच्चों को इतने हाई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं, इसमें उनका क्या फायदा है। जो सुनकर जीमा इन सवालों को अपने तक रखने बोलते हैं। और दूसरी तरफ प्रोसून जब पोर्ट में इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि इतना सारा माल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है तभी उसे एक बड़ा जहाज दिखता है जो उस पोर्ट के आसपास भी होना नहीं चाहिए था। प्रसून जब वहाँ पर था तभी वहाँ पर धीमन हरीश और कपिल को लेके पोर्ट ऑफिसर को समझाता है माल को कैसे लोड करना है। अब क्योंकि रानीबा ने धीमन को बोला था हरीश और कपिल को अपने साथ रखने के लिए ताकि उनको इस बिजनेस के बारे में थोड़ा और जानकारी मिले, इसलिए धीमन हरीश और कपिल को पोर्ट ऑफिसर के साथ जाने के लिए बोलता है ताकि उन दोनों को भी कुछ आइडिया हो जाए। लेकिन वहाँ से वापस आते वक्त जब वो दोनों कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे तब धीमन उनको सबक सिखाता है ताकि वो दोनों ऐसा आगे से ना करे। और इधर बिजली जब नैना से बात कर रही थी तब हम व्यूअर्स को पता चलता है नैना और बिजली का रिश्ता 5 साल से है और उन दोनों का एक सपना भी है बर्लिन में घर बसाने का। और नैना को बिजली के बारे में सब कुछ पता था, इस इल्लीगल बिजनेस के बारे में भी, और नैना अब इंतजार करना नहीं चाहती थी, उसे बिजली के साथ बर्लिन में रहना था। और बिजली नैना को वेट करने के लिए बोलती है
क्योंकि दो हफ्ते बाद वारिस चुना जाएगा और उसके बाद वो कुछ भी कर सकती है, बर्लिन में भी रह सकती है। जो सुनकर नैना गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे इस इल्लीगल बिजनेस से कुछ भी लेना देना नहीं था, उसे बस बिजली चाहिए थी। और जब योगी सांता के लिए पागल हो रहा था क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था, तब सांता और धीमन फिर से एक हो जाते हैं और रात को दोनों भाई मिलकर सोचते हैं कि अगर वारिस उन दोनों की बीवी बनी तो उनका तो सब कुछ होगा ही होगा, लेकिन अगर हरीश वारिस बना तो वो अपने बीवी को फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। और इधर काजल और बिजली डील करते हैं कि उन दोनों में से वारिस जो भी बनेगी तब दोनों को आधा आधा मिलेगा। फिलहाल प्रसून को जब इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है वो 20 मागरी जो लापता है वो हस्तीपुर जा सकते है, तब वो हस्तीपुर के लिए रवाना होता है और योगी पैसों के बदले किसी को खबर बेचता है। कहानी में आगे डॉनजे 8 साल बाद फिर से हस्तीपुर वापस आता है और वो भी रानीबा के कहने पर सांता की मदद करने के लिए, क्योंकि सांता एक नया ड्रग बना रही थी जिसका नाम था पिंक यूनिकॉर्न। और इधर रास्ते में प्रसून को एक कटा हुआ हाथ मिलता है और फिर हवेली पहुंचकर वो मागरियों के बारे में पूछताछ करना शुरू करता है। लेकिन वहां जब एक दरवाजे को देखकर प्रसून के मन में डाउट होता है कि इस दरवाजे के पीछे कुछ तो हो सकता है, तभी वहां से निकलकर रानीबा बात को संभाल लेती है और प्रसून को एक हिंट भी देती है कि शायद अगली बार भी प्रसून को यहाँ पर आना पड़े। और इधर हरीश को जब पता चलता है बिजली ने 10.5 लाख की घड़ी किसी को गिफ्ट किया है, तब हरीश के मन में डाउट होना शुरू होता है कि जरूर बिजली के लाइफ में कोई तो है। और सांता और धीमन जब फिजिकल हो रहे थे तभी उन दोनों को कोई देख लेता है और धीमन जब बाहर चेक करने जाता है तब वो देखता है योगी के गाड़ी को, तो धीमन उसका पीछा करता है और अगले सीन में हम देखते हैं योगी को कोई मार देता है। एक तरफ जब हवेली में सब जश्न मना रहे थे, तब दूसरी तरफ समुद्र में रानीबा की जहाज धमाके में उड़ जाता है और ये काम और कोई नहीं सैमसन ने किया था। लेकिन धीमन जब जश्न में लेट पहुंचता है तब हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि जरूर योगी का मर्डर इसी ने ही किया होगा। आगे रानीबा जब डॉनजे के साथ रोमांस कर रही थी तब हमको दिखाया जाता है पास्ट की स्टोरी। जब रानीबा और डॉनजे साथ में थे तब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन फिर भी रानीबा ने डॉनजे को खुद से दूर जाने दिया ताकि वो अपने देश में खुश रहे। फिलहाल प्रेजेंट में डॉनजे रानीबा को बताता है कि उसने समुद्र के किनारे एक घर बनाया है और साथ में एक वाइन का गार्डन भी ताकि दोनों वहां पर पी सके। और डॉनजे के समझाने पर रानीबा उसे प्रॉमिस करती है कि वो दोनों साथ रहेंगे। अब क्योंकि सीएम का बेटा मर चुका था और ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा था, इसलिए डीसीपी प्रसून को कॉल करके बोलता है कि उसके पास सिर्फ 1 हफ्ता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल रक्षाबंधन के दिन सांता धीमन को राखी बांधने से बच जाती है क्योंकि तभी जहाज डूबने की खबर आती है। अब बात ये थी खबर लीक कैसे हुआ और किसने किया, तो सारे लोग जब वहाँ पे लड़ रहे थे तब बिजली बताती है कि उनका टोटल 850 करोड़ की लॉस हुआ है और बिजली के बुद्धि के कारण उनका सिर्फ 135 करोड़ लॉस हुआ है, जो कि उतनी भी बड़ी बात नहीं है, वो लोग आराम से संभाल लेंगे और कार्लोस का ऑर्डर भी फिर से बना देंगे। जो सुनकर रानीबा जब बिजली की तारीफ कर रही थी तभी बिजली से मिलने नैना आती है और रानीबा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिलहाल बिजली गुस्से में नैना को रूम में ले जाकर उसका गला दबा के समझाती है उसे यहाँ आना नहीं चाहिए था और ऐसी गलती वो दोबारा ना करे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर बिजली नैना को बोलती है जन्माष्टमी तक रुकने के लिए, जो देखकर नैना शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने कभी बिजली को ऐसे नहीं देखा था। और दूसरी तरफ प्रसून अपने दोस्त को बोलता है समुद्र में डाइव टीम भेजने के लिए क्योंकि प्रसून को लग रहा था कि शिप में जरूर ड्रग्स थे। लेकिन प्रसून अपने दोस्त को ये भी बोलता है कि ये बात उन दोनों के बीच ही रहना चाहिए। और इधर हरीश जब नैना को लेके बिजली को तरह तरह के सवाल पूछ रहा था तब बिजली हरीश को समझाती है उसके काम में दखलअंदाजी ना करने के लिए और साथ में एक वीडियो भी दिखाती है जहां हरीश एक लड़की के साथ अय्याशी कर रहा था, जो देखकर हरीश लड़ने ही वाला था। लेकिन जब उसे पता चला यूएस में वो होटल उनका है तब वो ये सोचकर हंसता रहता है कि वो कितना अमीर था और फिर भी ऐसे जी रहा था। और प्रसून रामपुर थाने के पुलिस ऑफिसर से बात करने के बाद डीसीपी को बोलता है मुंबई से एक टीम भेजने के लिए क्योंकि उसे यहां पर किसी पर भी भरोसा नहीं है। और कुछ ही देर में पुलिस को योगी की लाश मिलती है। तो एक तरफ हरीश जब धीरे धीरे इस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था सिर्फ और सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए, तब दूसरी तरफ कपिल बहुत परेशान था इन सब मर्डर्स और इल्लीगल धंधे को लेकर। फिलहाल योगी के मौत की खबर आने के बाद धीमन जब सांता को बताता है कि उस दिन उसने योगी का पीछा किया था, तब सांता धीमन को शक की निगाहों से देखती है और इसलिए धीमन चला जाता है।
और इधर डॉन्जे सांता की बनाया हुआ टेबलेट खाकर टेस्ट करता है और रानीबा यानी सावित्री को समझाता है कि ये ड्रग वो लोग इजीली बना सकते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर डॉन्जे जब कहता है कि सांता की हेल्प करने के बाद वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे, तब रानीबा मना कर देती है। कहानी में आगे हम देखते हैं मॉन्क ने पूरा प्लान बना लिया था कि उसे कैसे रानीबा को खत्म करना था। और इधर रानीबा जिमा को समझाती है कि सिर्फ मॉन्क उनका दुश्मन नहीं है, कोई और भी है जिसे बस मौके की तलाश है। फिलहाल एक आदमी के जरिए रानीबा को जो पता चलता है, जन्माष्टमी के दिन मॉन्क हवेली पर हमला करने वाला है, तब हमको दिखाया जाता है पास्ट की स्टोरी, जब रानीबा खुद से मॉन्क के साथ हाथ मिलाने गई थी ताकि इस बिजनेस में कोई उनको हरा ना पाए। लेकिन मॉन्क ने तब रानीबा को गोली मारा था और उसके बावजूद भी रानीबा बच गई थी। आगे धीमन को योगी के रूम से एक फोन मिलता है। हरीश पागल हो जाता है पैसों के चक्कर में और कपिल तंग आ गया था इन खून खराबों से। और बिजली नैना को उसके फेवरेट जगह पर ले जाती है, जहां बिजली को नाराज देकर नैना उसे सॉरी बोलती है बिना बताए यहां पर आने के लिए, और साथ में ये भी बताती है कि वो 2 हफ्ते में बर्लिन जा रही है और वो वापस कभी नहीं आएगी। और नैना इतनी दूर से यहाँ पर आई है सिर्फ बिजली के लिए, उनके प्यार के लिए, जो सुनकर बिजली चुप थी। जो देखकर नैना कहती है कि अगर बिजली को रानी बनना है तो वो बेशक बने, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन दोनों का सफर जितना भी था अच्छा था। जो सुनकर बिजली कहती है कि उन दोनों को हार नहीं मानना चाहिए, अगर एक बार वो रानी बन गई तो वो कभी भी आ सकती है। जो सुन के नैना बिजली को झूठ बोलने के लिए मना करती है। और हरीश जब ड्रग्स के लिए पागल हो रहा था तब वो गलती से बहुत सारे पिंक टेबलेट्स खा लेता है जिसका टेस्ट चल रहा था, तो डॉन्जे ये देखकर हरीश के पीछे जाता है। और दूसरी तरफ प्रसून पहाड़ों के ऊपर जाकर देखता है, हवेली के पास बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जो कि आम बात नहीं था किसी भी हैंडीक्राफ्ट और जड़ी बूटी कंपनी के लिए। फिलहाल हरीश को तरह तरह के विजन्स आने लगते हैं, जिसमें एक विजन ये भी था नैना और बिजली एक दूसरे से प्यार करते हैं। और यही चीज देखकर हरीश जब नैना के रूम में जाता है तब नैना और बिजली को किस करते हुए देखकर आगे कुछ बोल पाता कि वो बेहोश हो जाता है। और हरीश के होश आने पर डॉन्जे और सांता रानीबा को समझाते हैं पिंक यूनिकॉर्न एकदम सेफ ड्रग है और ये मार्केट में एकदम तहलका मचा देगा, और इसीलिए रानीबा सांता को ही अपना वारिस चुनेगी। फिलहाल कपिल की हालत देखकर काजल जब पूछती है कि उसे हुआ क्या है, तब कपिल बताता है कि योगी ने उसे दिखाया सांता और धीमन को फिजिकल होते हुए, और इस बात को छुपाने के लिए उसने योगी को मार डाला। जो सुनकर काजल कपिल को समझाती है धीमन को मारने के लिए, क्योंकि शायद धीमन का प्लान है सांता को फंसा कर प्रॉपर्टी अपने नाम करने का, और वैसे भी रानीबा उसे बेटे की तरह प्यार तो करती ही है। और दूसरी तरफ योगी के फोन से धीमन को पता चलता है सांता और योगी के बीच रिश्ता क्या था। अब क्योंकि पिंक यूनिकॉर्न सारे टेस्ट के बाद सक्सेसफुल था, इसी खुशी में डॉन्जे और सांता पार्टी करते हैं, और वहीं पर सांता को पता चलता है डॉन्जे और रानीबा के प्यार के बारे में। और डॉन्जे जब ये सोचकर सैड था कि सावित्री उसके साथ कभी नहीं आएगी, तब सांता कहती है कि सावित्री उनके साथ जरूर जाएगी, जो सुनकर डॉन्जे एक और बोतल लेने जाता है। और तभी वहां पर धीमन आके सांता को तरह तरह के सवाल पूछता है योगी को लेकर। तब सांता धीमन को बताती है जब धीमन यहां से चला गया था तब उसे ये तक पता नहीं था धीमन कभी उसके लाइफ में वापस आएगा भी या नहीं, और इसलिए उसने योगी को चूज किया था। तो दोनों जब बात कर रहे थे तभी वहाँ पर कपिल आता है धीमन को मारने के लिए, लेकिन गलती से डॉन्जे मर जाता है। और दूसरी तरफ प्रसून उस सीक्रेट दरवाजे तक पहुँच जाता है जिसके पीछे ड्रग्स का कारोबार चलता था, लेकिन उसे एक बात पता नहीं था कि वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, तो अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसकी जान जा सकती है। फिलहाल रानीबा बहुत उदास थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया था। लेकिन घर के बाकी मेंबर्स को ये पता नहीं था डॉन्जे को किसने मारा था और क्यों। और कपिल जब सांता को समझा रहा था तब सांता उससे दूर हो जाती है, जो देखकर कपिल सांता से पूछता है क्या उसके और धीमन के रिश्ते के बारे में माँ को पता है, जो सुन के सांता चुप हो जाती है। कहानी में आगे रानीबा जब अपने पुराने दोस्त यानी उस इंसान से मिलने जाती है जिसके वजह से रानी कॉर्पोरेटिव शुरू हुआ था, ताकि वो आदमी इन्वेस्टिगेशन रोक दे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रोकना तो दूर, वो आदमी उल्टा रानीबा से 500 करोड़ मांगता है इलेक्शन में लड़ने के लिए, और साथ में रानीबा को नीचा भी दिखाता है, जो देखकर भी रानीबा चुपचाप चली जाती है। और इधर नैना और बिजली जब साथ में घूमने गए थे तब बिजली को पता चलता है कि शायद रानीबा को नैना के बारे में सब कुछ पता चल गया है, और इसका मतलब साफ है कि नैना का यहाँ पे रहना सही नहीं है, उसके जान को खतरा हो सकती है। और वैसे भी डॉन्जे मर गया था तो नैना के लिए ये हवेली अब सेफ नहीं थी। जो सुन के नैना बिजली को बोलती है उसके साथ चलने के लिए,
क्योंकि अगर ये हवेली नैना के लिए सेफ नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है। लेकिन बिजली बिना कुछ सुने नैना को चले जाने के लिए बोलती है। और इधर सीक्रेट दरवाजे को देखकर प्रसून की बीबी उसे समझाती है उसने वहाँ पर जाकर गलत किया है। और तभी डीसीपी कॉल करके बताता है कि कल शाम तक टीम वहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन डीसीपी जब पूछता है कि उनको कुछ पता तो नहीं चला, तो प्रसून झूठ बोलता है कि उनको कुछ पता नहीं चला, जबकि कैमरा के जरिए हवेली में सबको पता चल चुका था। और इधर रानीबा जब सोच नहीं पा रही थी कि आगे क्या करना चाहिए और उस आदमी को 500 करोड़ भी देना है, तब काजल सजेस्ट करती है मॉन्ग को मारने के लिए, ताकि उसके सप्लायर को माल बेचकर वो लोग पैसा कमा सके। एक तरफ प्रसून गुनेगार को पकड़ने के लिए इतना ज्यादा बेताब हो गया था कि उसने ये खुशखबरी तक नहीं सुना कि वो बाप बनने वाला है। और रानीबा को जब धीमन और शांता के रिश्ते के बारे में पता चलता है, तब शांता धीमन को बचाने के लिए झूठ बोलती है कि वो दोनों भाई बहन है और उन दोनों से एक गलती हो गई है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन धीमन ये बात समझ नहीं पाता, वो बस यही देखता है शांता ने उसे खुद से दूर कर दिया है, जबकि धीमन उस वक्त बिना डरे शांता के साथ रहना चाहता था। अब क्योंकि ये बात कपिल ने रानीबा को बताया था, तो रानीबा के पूछने पर कपिल बताता है कि उसने ही योगी को मारा था, जो सुनकर रानीबा अपने बेटे पर प्राउड फील करती है। आगे प्रसून जब बकरियों को काट कर देखने वाला था कि उनके अंदर फ्लेमिंगो है या नहीं, तभी डीसीपी कॉल करके वापस आने के लिए बोलता है, जो सुनकर प्रसून बहुत गुस्सा था, लेकिन डीसीपी उसे चुपचाप वापस आने के लिए बोलता है। फिलहाल धीमन जब वहां से जाने वाला था, तभी योगी के फोन में एक कॉल आता है और इधर प्रसून भी रुक जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और बकरी को काटने के बाद जब उसे फ्लेमिंगो का पता चलता है, तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। और इधर धीमन आके रानीबा को बताता है योगी मॉन्ग से मिला हुआ था और उनका प्लान है जन्माष्टमी के दिन हवेली पर हमला करने की, जो सुनने के बाद भी रानीबा धीमन को चले जाने के लिए बोलती है। और थोड़ी देर बाद वो आदमी बताता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रोक दिया है और रानीबा को वो फिर से ताना देता है, लेकिन रानीबा कुछ नहीं कहती। अब क्योंकि रानीबा के पास मॉन्ग को मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए सब मिलके मॉन्ग को मारने जाते हैं। अब रानीबा मॉन्ग को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वही आदमी आकर मॉन्ग को गिरफ्तार करा देता है। लेकिन मॉन्ग और उस आदमी को बात करते हुए देखकर रानीबा को अजीब लगता है। फिलहाल हवेली वापस आकर सारे औरतें जश्न मनाते हैं और बिजली नैना से माफी भी मांगती है उस दिन ऐसे बिहेव करने के लिए, और नैना उसे माफ कर देती है क्योंकि वो एक बात समझ चुकी थी, बिजली की दुनिया यहाँ है इन लोगों के साथ, ना कि उसके साथ। अब क्योंकि अगले दिन नैना वहाँ से जाने वाली थी, इसलिए वो एंजॉय करना चाहती थी और इसलिए दोनों साथ में डांस करते हैं, जो देखकर हरीश बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो यूएस में वापस जाना चाहता था। लेकिन कपिल अब वापस जाना नहीं चाहता था, जो देखकर हरीश काफी हैरान था। तो सब जब खुशियाँ मना रहे थे, तब रानीबा खुश नहीं थी क्योंकि उसने डोंजे को खोया था जिससे वो प्यार करती थी। लेकिन फिर भी वो प्रसून को समझाने जाती है। और इधर हरीश जब नैना से बात करने जाता है, तब वो देखता है नैना को किसी ने मार डाला है। और ये सब जब बिजली देखती है, तब वो पूरी तरीके से टूट जाती है। और जन्माष्टमी के दिन कुछ लोग जब खुश थे, तब बिजली रो रही थी और शांता अपने माँ से नफरत करने लगी थी, क्योंकि उन्हीं के वजह से धीमन उससे दूर हो गया था। फिलहाल रात को रानीबा जब सबको इकट्ठा करके बोलती है कि अगर उनमें से कोई भी प्रसून को मारेगा तो वही वारिस बनेगा, जबकि प्रसून ने कुछ भी नहीं किया है। जो सुन के धीमन जब मारने वाला था, तभी प्रसून बताता है कि उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो ये बात सबके सामने नहीं बोल सकता है। तो बाकी सबको बाहर भेजकर रानीबा जब प्रसून से बात कर रही थी, तभी जीमा को मार के प्रसून रानीबा को लेके भागता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन ब्रिज से गाड़ी गिरने के वजह से रानीबा और प्रसून की मौत हो जाती है और इस बात से सब सदमे में चले गए थे। फिलहाल अंतिम संस्कार होने के बाद लॉयर जब बताने वाला था रानी कॉर्पोरेटिव का वारिस कौन है, तभी मॉन्ग और सैमसन आके लॉयर को मार देता है और वो व्हील भी जला देता है। और फिर हमको पता चलता है काजल भी मॉन्ग के साथ मिली हुई थी, क्योंकि उसे अपना बेटा चाहिए था जो मॉन्ग के पास था। और ये लड़का और कोई नहीं, उस दिन मॉन्ग जिस लड़के को देख रहा था वही लड़का है। अब क्योंकि काजल ने अपने बेटे के साथ एक और चीज मांगी थी, इसलिए मॉन्ग सबके सामने सैमसन को मार देता है। और ये देख के घर के बाकी मेंबर्स ये समझ नहीं पाते कि काजल ने उनको धोखा क्यों दिया। गलती तो रानीबा ने की थी, तो सजा उनको क्यों मिल रही है। तो काजल बताती है जब वो 10 साल की थी, तब उसके पापा ने उसे कोठे पर बिठा दिया था, और जब वो 16 साल की थी, तब कोई मसीहा बनके उससे उसका बच्चा छीन लिया और नशे का दलाल बना दिया, इसलिए वो बदला चाहती थी। लेकिन फिर कहानी में आती है ट्विस्ट, रानीबा जिंदा थी, क्योंकि उनको पहले से ही पता चल चुका था दुश्मन सिर्फ मॉन्क नहीं और कोई भी है, जो उनके सामने दिख नहीं रहा। और रानीबा की जो लाश दिखाया गया था वो असल में नैना की थी,
और ये पूरा प्लान जीमा और रानीबा ने मिलके किया था। और इसका मतलब ये है कि शायद प्रसून भी जिंदा हो सकता है, क्योंकि प्रसून के साथ भागने का प्लान भी रानीबा की ही थी। और यही पे ये सीजन खत्म हो जाती है और साथ में हमारा वीडियो भी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।